ভারত ছাড়ো আন্দোলনের বর্ষপূর্তি দিবস আজ। 1942 সালের 9ই আগস্ট এই আন্দোলন তীব্রতর আকার নেয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বাপুর নেতৃত্বে যারা ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন সেই সব নেতাদের শ্রদ্ধা জানান। এক্স মাধ্যমে একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন তিনি। আমারে নই পিড়ি কো জাননা চাইয়ে কি 9 আগস্ট 1942 কো কি হুয়া। মহাত্মা গান্ধী নে মন্ত্র দিয়া থা और क्विट इंडिया मूवमेंट ने स्वतंत्रता की तरफ भारत के कदमों में नई ऊर्जा पैदा कर दी। इसी आंदोलन ने ब्रिटिश राज से मुक्ति के लिए पूरे देश को संकल्पित कर दिया। ये वो समय था जब अंग्रेजी सत्ता के विरोध में भारतीय जनमानस, गांव हो, शहर हो, पढ़े हो, अनपढ़ हो, गरीब हो, अमीर हो, कंधे से कंधा मिला करके भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा बन गया। देश के लाखों नौजवानों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, किताबें छोड़ दी। अगर इतिहास के पन्नों को थोड़ा जोड़ करके देखें तो भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम 1857 में था। 1857 से 1942 तक की इस परिश्रम ने, इस आंदोलन ने एक ऐसी स्थिति पैदा की कि 1942 इसकी चरम सीमा पर पहुंचा। भारत छोड़ो का ऐसा बिगुल बजा कि 5 वर्ष के भीतर भीतर 1947 में अंग्रेजों को जाना पड़ा। इसी से प्रेरित होकर आज पूरा देश हर बुराई के लिए कह रहा है क्विट इंडिया। चारों तरफ एक ही गूंज है, करप्शन क्विट इंडिया, डायनेस्टी क्विट इंडिया, अपीजमेंट क्विट इंडिया।